वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो जी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज क्यों ब्लॉग बनाया है, आज मैं ऐसा क्या करने जा रहा हूँ और आज मैं कहाँ हूँ। तो सीन ये है कि आज है पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन यानी PEC के इलेक्शन। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए सॉरी, मुझे भी एडिटिंग के दौरान PEC के असल फॉर्म पता चला। हम अपना इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, वैसे ही इलेक्शन के थ्रू हर 3 साल बाद पाकिस्तान एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन चुना जाता है, जो इंजीनियर्स वोट करके चुनते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसमें एक टीम का हिस्सा हूँ, लाइक देयर इज़ अ इंजीनियर वसीम नज़ीर, जो कि अभी तक 40 साल का एक्सपीरियंस है जिनका, लेकिन वो अभी तक अभी कभी चेयरमैन नहीं बने, वो इस दफ़ा इलेक्शन में खड़े हुए हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है YPEG के नाम से, यानी यंग। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। लगता है उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, यंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप, का मैं मेंबर हूँ। और हमने एक यानी उनका भी एक बैलेट बॉक्स यहाँ पर होगा। तो बेसिकली हमारा मकसद ये होगा कि जो भी लोग इंजीनियर्स वोट देने आए हैं, उनको हम मोटिवेट करें और उनको बताएं कि इनका विजन क्या है और कैसे हमारा इंजीनियरिंग काउंसिल ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और लोगों को यानी इंजीनियर्स को ज़्यादा अच्छी इम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। बाकी सीन ये कि इस वक्त बज रहे हैं 7:30 और मैं लगता है ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि मेरी टीम का कोई मेंबर नहीं आया अभी, वो आते हैं, फिर मैं लोग को यहीं से कंटिन्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हम कहाँ बैठेंगे और हमारा स्टॉल कौन सा। अभी ये देखते हैं, ये है इलेक्शन के सीन्स, ये सभी ने अपने अपने इंजीनियर्स ने अपने अपने लगाए हुए हैं स्टॉल्स वगैरह, जो मैं क्या करूँ उसको क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन, तो इसके पोलिंग स्टेशन सब अपने अपने लगाए हुए हैं। और मैं तो इसके साथ साथ अपडेट करता रहूँगा आज के दिन का, आज बड़ा मज़ेदार ब्लॉग होगा, लाइक ब्लॉग को अभी से लाइक कर दें कि आज कितना गर्म था। तो जी साहब भी आ गए हैं, ये हमारे टीम के लीडर हैं, इनको आने का पता नहीं लग रहा था। डोगर लेके आया भाई इनको, डोगर नू है तो सोने, हेलो, मैं डोगर नू कह रहे हैं कि भाई आपने मुझे उठाना है सुबह, आप नमाज के लिए उठते हैं 5:30 मुझे उठा दे, आप 7 बजे उठे। और उमर भाई भी आए हैं, आप उमर भाई क्या हाल चाल है इनके? ठीक है, वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? सर क्या हुक्म है यार, मेरी ऑडियंस में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं है, आप इनको सलाम कर रहे हैं? तो जो भी आपकी ऑडियंस है उसको सलाम कर रहा हूँ। ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनको भी सलाम कर रहा हूँ। और चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। आई डोंट नो यार, इसको पार्किंग में लगाओ यार। पार्किंग के थे कितने आ रही रोड पे खड़े हैं पापा यार, बहुत है, थाने में लगाओ जा रहे, थाने में लगाओ जा रहे। ओके, करते हैं इस बारे में कुछ। सवेरे मैं कैसी नाश्ता ले गया, वो गड्डी बोर्ड ले यार। ओहो, पार्किंग चला तो काम होना काम होना। हमारे टीम लीडर भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वी आर फाइन सर, एक पिक्चर ले लेते हैं फिलहाल। ग्रुप में ब्रेक भी करनी है, YPEG की समनाबाद के आप लीडर हैं, ग्रोथ फॉर समनाबाद, फॉर ऑल फैसलाबाद, इज द लीडर ऑफ YPEG यानी यूथ प्रोग्रेस, यंग प्रोफेशनल। 2 hours later तो भाई अभी ये है, पैम्फलेट्स वगैरह आ गए हमारे, ये है वो क्या उसे कहते हैं वोट वाउचर, क्या वोट वाउचर, ये रहे PEC इलेक्शन है। अभी ये सिविल में अलग होते हैं, केमिकल में अलग होते हैं, और बाद में सिविल मेटाक्रोनिक टेक्सटाइल है। इतने ज़्यादा क्यों है सिविल, कितने ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे पास सिविल के ज़्यादा लोग हैं ना, सिविल की ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब टेक्सटाइल में ओवरऑल टेक्सटाइल की कम सीट्स हैं और कम मेम्बर्स हैं जो आए हैं, वो भी वो दरअसल दूसरे स्टॉल पर है, हमारे ए रोड की दूसरी साइड एक अलग स्टॉल है, इस साइड अलग स्टोर है। इसके अलावा ये हैं हमारे इंजीनियर वसीम नज़ीर, जिनका है मोटिव, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक मिनट ज़रा। इट्स टाइम फॉर अ चेंज फॉर PEC टू इवॉल्व, न्यू लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड, बाकी नीचे बड़ा 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 वसीम नज़ीर कंट्रीब्यूशन टू दी वर्ल्ड ऑफ, ये देखें, कमिटेड टू फ्री प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ आवर यंग इंजीनियर्स प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप और ट्रेनिंग भी फ्री इंजीनियर्स को दिलवाई थी, जैसे इनका है 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बट गल की नाश्ते ब्रेकफास्ट, नाश्ते ब्रेकफास्ट यार, बाकी सारी पंजाबी गल करी
नाश्ता भी ब्रेकफास्ट ही होता है, क्या बता फिर, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ब्रो? नहीं भाई ये भूखे पेट आए हैं, जैसे मैं खाना खा के आया था तो अभी मैं सही हूँ, पर 10 बजे मुझे दोबारा भूख लग जानी है। ना अच्छा ना, सारे भूखे हैं, आप इधर आने के खा के आए हैं। घर में मिल जाता है ना, खाना पैक ना खाना। नहीं नहीं एटी भी गल है, मैं 10 बजे तक दोबारा भूख लग गया थी, वो नहीं चढ़े 5 बजे खाया था, अब 10 बजे हो जाएगा, पेट में जगह बन जाती है जब फ्री का खाना हो। एक मिनट जरा, मैंने आपको टोपी तो दिखाई दी है, वाई पैक यानी प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप, यंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप की टोपी मिली है। एजुकेशन सिस्टम को हमने टोपियाँ कराई है, एजुकेशन सिस्टम हमें टोपी दे रहा है। नाश्ता आ गया है, भूखा जाना है, प्लेटें इसमें हम डिस्पोजेबल लेके आए हैं, आप इसमें डाल के 20 को रखते हैं। भाई ये नाश्ते का टेबल लग गया है, पानी जूस वगैरह मिल गया है और नाश्ता शुरू करना। सात कप ते सात बिस्किट, ठीक है। तो अभी हम बिस्किट का ऑर्डर किए, चाय बिस्किट भी हो गया। बात थी ये कि जो हमें पैसे मिले थे नाश्ते के लिए, बहुत प्यारी मैडम बहुत प्यारी मैडम साथ ही, वो भी इलेक्शन में ना दरअसल, उन्होंने फिर हमें ऐसा ट्रीट दी है नाश्ते की। और सीन ये है कि अभी नाश्ता हमने कर लिया था वो कैसे मंगवा, इस बंदे की वजह से मैं इतनी से ज़्यादा हम नाश्ता लेकर आए कि भाई लड़के को पसंद आया, कह रही कहता पाए खाने यार, दो नंबर कोई नहीं, आप रोटी अच्छी क्वालिटी दोपहर चावल आ तो ये पानी की बोतल और जूस मिला था हमें, हमने जूस एंड पे छुपा के रखा है ताकि वो सिर्फ हमारे लिए, बाकी पानी की बोतलें या जो लोग आएंगे उनके लिए। तो जी चाय वगैरह आ गई है, बिस्किट भी आ गए हैं, चाय आ गई है, बिस्किट भी आ गए हैं, अभी हम चाय करते हैं। ये भाई हमारे लगा रहे हैं टेबल, उधर आपने आपकी पकड़ कमजोर है भाई, तीन पेज होने हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास तीन पेज होने हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए होगा, ठीक है, वहाँ पे नाम लिखे होंगे, ठीक है, ठीक है, और हमने उस पर टिक करवाने हैं, कौन सा नाम, काफी सारे नाम लिखे वहाँ पे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमने यहाँ पे टिक करवाने हैं। उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास पेज होगा, भी हमने टिक करवाने के लिए वाले बंदे को टिक है, बाकी सारे लिस्ट भी बनी हुई है, उसके बाद हमने ये नीचे आ जाना पंजाब सिंध के पीके बलूचिस्तान, तीन तीन जिनका नाम लिखा हुआ है सब पे टिक करवाना है, जो हमारा स्टेशन है हमने ये बताना है कि आपने बैलेट नंबर कौन सा डालना है, कि असल वोट जो है नादरा के अंदर होना है, यहाँ पे है, इसके अंदर जाएंगे और एग्जैक्टली बताएंगे कि एक्चुअल में वोट डालना कैसे है। अभी कासिम भाई ने सही बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ भी किया है, ये देखिए नादरा के अंदर के सीन, नादरा के अंदर के सीन है, ज़मीन पर बैठने लगे थे भाई, सामने से ले मंगवा ले के आया है कुर्सी बैठने के लिए, मोटा मोटा रही है कैमरे के आसमान को देख रही है, यहाँ आ गया ना तेरा दो मुड़िया, यहाँ पे लिखा है कैमरे की आंख आपको देख रही है लेकिन हम कैमरे को नहीं देख, यहाँ पे भी कैमरा चला रहे हैं। One hour later. Guys, सीन अब ये है कि इस वक्त वोट कोई डालने आ नहीं रहा, क्योंकि सर्वर डाउन है भाई नादरा के ऑफिस का, और वोट डाल ही नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हैं और इंजीनियर्स का काम ही ठीक हुआ हुआ यहाँ पर, यानी फुल हालात ख़राब है इस वक्त। तो हमने टाइम पास करने के लिए फ्लिप द बोतल खेल रहे हैं भाई जान, वाह 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 क्या बात है, ब्रैनी तेरी भाई, ब्रैनी तो एक डब्बा दे रहा, चलो मेरी बारी, बच्चों के पास की बात नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, ओके आ गया ना, हो गया, यस एक मिनट मैं वीडियो ही बंद करती, बहुत तेज हो रहा है, दोबारा बिरयानी बहुत है भैया, बिरयानी बहुत अपने को, आ जा कर ये सारे 10 डब्बे यहाँ पर,
बोतल भी हमारी वो पास बहुत है, जो उसकी की पानी की पानी वाली घूम गया, चार जूस की बोतल ही रह गई हैं। हद लो मरना तेरे को, वैसे भैया आप ठीक हो, आप नए नए लग रहे हो, आप कब आए आप? जब आप आए इसकी बहुत ठंडी वाल है अंदर ना आ रहा हूं, तेरे बाहर करता ना ने मैं उल्टे हाथ से करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, लगता नहीं उल्टे हाथ से होगा। हो गया, उल्टे हाथ में भी हो जाता भाई, दरअसल मैं लेफ्ट ही हूँ ना, मैं लेफ्ट टिकता भी लेफ्ट हैंड। Later. अच्छा तो गाइस अभी सीन ये है कि कोल्डिंग 5 बजे खत्म होनी थी और आप 9 बजे खत्म हो गए, बोतलें खा के ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं यार, बोतलें भी अपनी है, बोतलें हो आ रही है, बोतलें पानी कितनी रह गई हैं सुबह की, अपने सारी तकरीबन पी ली हैं, लोग इतने सारे आए हैं और 9 बजे तक अभी तक रुकना है, 10 बजे जाने हैं खत्म होते होते, मतलब 12 बजे घर जा रहे हैं, सुबह के 7 बजे मैं इधर पहुँचा हूँ, ठीक है 7 से 12 बजे तक मैं इधर, ये भी मेरे साथ है, नज़र नहीं आ रहा अभी, 1 मिनट ज़्यादा अब आएगा नज़र। हाँ तो सीन ये है कि लेट इसलिए हुआ है क्योंकि वो मशीन भी चल रही थी जो अंदर है पोलिंग के लिए, यानी इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन में, इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन वोटिंग के लिए मशीन भी चल रही थी, मशीन हो गया था बड़ा एवर रजिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग काउंसिल का हाल पाकिस्तान बेसिकली ना पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आ सभी लिखे नौजवान वो बेचारे इधर गर्मी में घूम रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान जिसकी डिग्री कम्प्लीट कर वो भी इधर से इधर ही पार हो रहे हैं, बट खैर खैर अब आप ज़्यादा फ्री टाइम ना लो तुम, अभी हम आगे के हालात में दिखाता रहूँगा आपको। ओके बाय। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम बटाला कॉलोनी स्टेशन पे जा रहे हैं, अभी हम बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर जा रहे हैं, क्यों वही सुबह से बहुत थक गए हैं, होम भी बुलाया जा रहा है के साथ, ये हमारे लीडर हैं और कौन है इसमें वाइफ है, ये वैगनार में लीड कर रहे हैं, वैगनार में लीड कर रहे हैं, कैबिनेट ही नहीं, आपके पास कौन सी गाड़ी है? जी वैगन। कौन सी? जी वैगन आर। नहीं जी वैगन आर, जी वैगन आर और भी बहुत है, और ठीक है we just have to communicate with all the polling stations had to facilitate everyone, yes just routing all over the Faisalabad sir, try his best सर ने सुबह से पता हर पोलिंग स्टेशन में दो दो तीन तीन चक्कर लगा लिए हैं, चार चक्कर लगा लिए हैं और सुबह से सफर में ही है, जो ना वॉशरूम गया हुआ तीसरे चक्कर में मैं वॉशरूम गया था, मुझे पता नहीं लगा, नमाज भी पढ़ी थी मैंने, अब मुझे शर्म आ रही है तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। तो अभी हम आए हैं सत्याना रोड पर और ये सत्याना रोड का नादरा ऑफिस है और ये सारा सिस्टम है लगा हुआ है, सबने अपने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे स्पीकर वैसे आज नहीं आ रही होगी तो इसी तरह से पहुँचते हमारे जो बैचमेट है असद भाई आए यहाँ पर हैं, अनस है पूम और कासिम और अली भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, ऊंची आवाज से बोलो मेरा वालेकुम माइक, चार खाते डब्बे ने बिरयानी झूठ पे झूठ।
बोली जा रहा है, बोली जा रहा चार्ट पे भाई यार नॉन स्टॉप चार्ट पे। चार्ट पे इस बंदे ने खाते आ, इस बंदे ते किना यकीन है लालो, इस बंदे ने कितने 6 डब्बे भाई, 6 डब्बे ला यार। मेरे को अद्धा नहीं खाता गया पूरा भाई, 6 डब्बे खा गया भाई, मेरे को अद्धा नहीं पूरा खाता गया, मैं ते फौजी ने मिल के खाता है ना सारे, पहले के 10 डब्बे इसने खाए, 10 डब्बे तू खाते आ, तू ते ने अली दी गल ते मैं यकीन करदा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये देखिए हमारे सीनियर्स ने ना हमें केले ले के दिए हैं क्योंकि अब हम वो ताकि हम केला ना खा जाएं क्योंकि उन्होंने 3 घंटे और हमसे काम करवाना है अभी। सो ये आपके लिए भाई, मैंने खा लिया, आप देखने लग पड़े थे गोड़ गोड़ से, देख लो खाओ केला। ये है हमारे जैन भाई केला खाते हुए, मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने बोला केला खा रहे हैं, ठीक है ये एनर्जी जो है ना आपको पता है बूस्टअप करनी होती है, अंजल भी हमारे साथ है। एक्चुअली सीन ये हुआ है, एक्चुअली सीन ये भी हुआ है कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन से हम इधर आए थे विजिट के लिए, ठीक है तो पता चला है वहाँ से बीच पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया, तो अभी हम फिर जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि वो खोलें, क्योंकि जो हमारे पार्टी की मेंबर हैं मैम हफ्सा जवेद जमशेद बड़ा, सॉरी तो वो भी वहीं पर आ रही हैं, उनके पहुँचने पहले हमें पहुँचना है। जैन भाई ये केला ले लो या फिर ओके। ये हमारे साथ इनकी गाड़ी भी आ गई, आप नाम आता रहूंगी। ये फौजी आपके लिए मैं केले लेके आया हूँ, फौजी आपके लिए केले लेके आया हूँ। क्यों मैं जिम करता हूँ? आप जिम करते हो ना इसलिए, वो भी जिम करता है। गाड़ी वो पार्क हो गए अभी आ रहे हैं, अब वहाँ पे भी हम थे यहाँ पे भी हम। तो भाई ये चाय भी आ गई है शाम की, क्या चल ठीक है, चाय हमारी आ गई है तो भी चाय पीते हैं, बिस्किट्स भी हैं यार। ये क्या क्या मंगवाई है हमने, क्योंकि भाई उन्होंने हमारा टाइम दिया है ना, कैंडी बचे, बर्गर बचे, बिस्किट्स, बिस्कुट कही रहा है बिस्कुट, आपने वो नहीं सुना बिस्किट यानी बिस्किट बाबा कसम 25 रुपए की एक एक ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆ ਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 12:00 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਬਈ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲੇ ਤੇ ਗਏ ਆ अच्छी बात है भैया, आपका घर पास में है, सारा दिन इधर बैठ के ड्यूटी दी है। हाँ जी ठीक है, तो मैं ना जरा सीन ड्रैग नहीं करना, जल्दी बोल दी बोल सबरकार, मैं ना यार जरा वो मेरी ना चिपचिपाहट हो रही थी बॉडी में ना, तो उसके बाद मैं ना फिर घर गया। थाईलैंड से पापा हैं? थाईलैंड से पापा हैं। आपके पापा थाईलैंड से हैं? हां, अगर चॉकलेट लगी हो मुंह पे वो एक मिनट दिखा जरा, कहां पे लगी है? पापा ये कह रहा है, कुछ कह रहा है भाई के पापा। तो भाई सीन ये है कि भाई बात हो तेरी दुआ मैं तू है ना मैं ना यार अली भाई फालतू मिठाई खाना खाने
भाई मिस्टर जमाल अहमद वहाँ पे मिलते हैं। गाइस ये देखिए अंदर की जो बाइक खराब हो गई है, कासिम पीछे बैठा था इसलिए। कासिम भाई क्या मसला हुआ है इसको? कासिम भाई इसको मसला क्या हुआ है? अंदर की होया ये बहुत सीन डाय करता है आपा बाजू मैं तुम्हें आप दस देना ये चैन मसला वा गड़गड़ हुंदी है ते गड़गड़ पीछे जरा बैठा बंदा ओदी बाद तोड़दी नहीं गड्डी तो फिर इसको रोक के चैन ठीक करा रहे हैं। मैं इस साथ आपको डेट दे दूंगा जब ये ठीक हो जाएगी। अभी हम बज गए 11 और सब यहां पे इंतजार कर रहे हैं और हम यहां पे पा रहे हैं। चैलेंज की सबका बंदा चैलेंज हो चैलेंज की बात नहीं है ये आप बैटरी लोवा और प्रॉब्लम मत करना। बाय 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 सही चल रही हूं खिलर जानी है ना घर इंडिपेंडेंस है कहाँ मिली है इंडिपेंडेंस अभी तो भैया एंटर करते तो भाई जी अब खाना आ गया है। अब खाना खा रहे हैं पिज्ज़ा मंगाया है। ये है बिहारी कबाब वो भी है बिहारी कबाब ये है मलाई बोटी एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज दो। खुश हो तू खुशा साई साई को नहीं इन पूछना ही नहीं उदास ही रहता। सर जी बच्चियां शच्चियां की गल खत्म हो गई तो खाना खा लेंगे। देखो फ्रेश करने के लिए ना यू हैव टू चूज द गर्ल For me, if you want to refresh your mind, you just have to need eat food. Eat food. But the thing is, I just want to choose a girl from 20 best fashion design. आगे नहीं दसना। बाकी आप लोग समझ रहे। बाकी जो सब सिर्फ मैं समझ रहा हूँ। बाकी सर बता देगा ना तुम भी करते। बाकी जिसको 20 best से कोई भी पसंद है वो कर ले। सारा खत्म किया है कासिम ये लोग कह रहे हैं सब तुमने खत्म किया है ये क्या बात सच है सब कह रहे तुमने खत्म किया है ये क्या खत्म किया है खाना ये देखो ये खाती हो गया जो हमने खत्म किया है तुमने किया है हां आखिरी बाइट मैंने ली अच्छा कल मतलब अच्छा तू चोपड़ा ये तुम गंदे खाने फोड़ के ना कैप्चर कर अच्छा कर मैं तुम्हारे डैड को सेंड करूंगा ये डैड पकड़ा गया बच्चे ये पढ़ने के बहाने निकले हैं ठीक है कि हम लोग इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं यहाँ पर बोर्ड भी रहे हैं इसे कर रहे हैं बहुत गलत बात होगा। मैं दस गुजरात डोगरा ने कहा जाके दस के आऊंगा ओके तो खाना खा लिया और हमने यहाँ पे ग्रुप फोटो ले लिए और सब वापस जा रहे हैं अलविदा कह रहे हैं एक दूसरे को। हमारे जो ग्रुप के लीडर थे सर जमाल अहमद साहब और अनीस साहब इन दोनों ने मिलकर अनीस साहब अभी बिजी हैं इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है मैम इंशाल्लाह अभी रिजल्ट अनाउंस होते तो उसको सुना के व्लॉग एंड करता लेकिन अभी व्लॉग इधर ही एंड करना पड़ेगा तो लोग लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब भी कर लो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन सब्सक्राइब भी करें और बेल का टंटना लगा होगा उसको जरा दबा ओके बाय दिस इज एनदर साइनिंग ऑफ।